सो हे गाइस, द क्रेजीज के ईयर एंड बैक विद एनी वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट एंड्रॉइड एप्स फॉर मार्च 2018। सारे एप्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, ये हमारे टॉप 10 एप्स की 16 सीरीज है। मैं इसे और भी 15 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वीडियोज देखना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सीक्रेट बोनस गेम जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एम करते हैं 200 लाइक्स का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। सो प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट्स। बढ़ते लिस्ट के फर्स्ट ऐप की तरफ, लिस्ट का जो फर्स्ट ऐप है वो है लीमो कैम। तो इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा 200 से भी ज़्यादा अमेजिंग एंड कूल एनिमेटेड फेस फिल्टर्स। नीचे की तरफ जो है आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आपको डिफरेंट फेस फिल्टर्स देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपको जो है ये फेस फिल्टर्स डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको हर एक डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती है, लाइक यहाँ पे आपको जो है बॉयज़ के लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती है एंड यहाँ पे जो है गर्ल्स के लिए भी एक कैटेगरी है क्यूट, जहाँ पे उनको जो है स्नैपचैट जैसे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी स्नैपचैट यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो इस ऐप को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसी के बाद बढ़ते हैं इसके सेकंड ऐप की तरफ। इसका जो सेकंड ऐप है वो है मोशन स्टिल्स। तो इस एप्लीकेशन में आपको गूगल AR स्टिकर्स की तरह AR स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको यूज़ करने के लिए आपको बेसिकली अपना फ़ोन रूट करना पड़ता है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप बिना रूट किए गूगल AR स्टिकर्स को यूज़ कर सकते हो अपने स्मार्टफोन्स में। इससे बेसिकली आप जो है AR वीडियोस बना सकते हो या तो AR फोटोज ले सकते हो। ये इनको जो है आप रिसाइज भी कर सकते हो जैसा आपको बड़ा या छोटा चाहिए, बट ये जो है एक लेटेस्ट ऐप है तो कुछ कुछ फ़ोन में जो है ये AR फीचर सपोर्टेड नहीं है तो ये जो है AR स्टिकर्स नहीं बताता है। और इसको जो है आप 360 डिग्री में देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर है इस एप्लीकेशन का। इसी के बाद हमारे इसके थर्ड ऐप की तरफ, इसका जो थर्ड ऐप है वो है एक्सप्लोरी कीबोर्ड। तो इस एक कीबोर्ड में आपको जो है 3-3 यूनिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे आपको कीबोर्ड में जो है एनिमेटेड थीम्स देखने को मिल जाती है जो कि आपको और कोई भी कीबोर्ड में देखने को नहीं मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस कीबोर्ड में आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप जो है यहाँ पे इमोजी आइकन पे जो है डबल टैप करोगे तो यहाँ पे जो है आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे, जो स्टिकर्स बेसिकली आपको हाइक में देखने को मिल जाते हैं वैसे सारे के सारे स्टिकर्स आपको जो है इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। और स्टिकर जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप जो है चैट करते हुए अपने फ्रेंड्स को जो है ये स्टिकर्स सेंड कर सकते हो। और इनको जो है आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो है प्री डाउनलोडेड होते हैं। इनको आप किसी को भी सेंड करोगे तो ये जो है इमेज के फॉर्म में सेंड होगी। यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट शॉर्टकट का भी एक फीचर देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप जो है सिंपली कोई टेक्स्ट को एज ए शॉर्टकट सेट कर सकते हो। लाइक मैंने जो है यहाँ पे सेट कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ द, तो यहाँ पे ऊपर जो है मेरे को सजेस्टिंग में खुद ही जो है द क्रेजीएस की लिख कर आ जाएगा। तो ऐसा टेक्स्ट शॉर्टकट आप जो है इजीली सेट कर सकते हो। आपको जो है सिंपली इस ऐप की सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको ऊपर की तरफ जो है एक शॉर्टकट टेक्स्ट टाइप करना है और नीचे की तरफ आपको जो है उस टेक्स्ट का जो है फुल वर्ड टाइप करना है ताकि आप जो है जब भी वो शॉर्ट वर्ड को एंटर करो आपको जो है फुल वर्ड नीचे सजेस्टिंग में आ जाए और आपको जो है सिंपली ऐड पे टाइप करना है। इस बार हमारे इसके फोर्थ ऐप की तरफ, इसका जो फोर्थ ऐप है वो है फास्ट। तो ये बेसिकली एक 2.6 MB का ऐप है जहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, लाइक ई कमर्शियल ऐप्स, क्लोदिंग ऐप फॉर बॉयज, क्लोदिंग ऐप फॉर गर्ल्स, फूड एंड ग्रोसरी, और यहाँ पे आपको जो है रिचार्ज, मूवीज, मेडिसिन, टाइम्स एंड ट्रैवल्स, ऐसे आपको जो है डिफरेंट ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, इस एप्लीकेशन में आपको जो है और भी एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा भी। आपको जो है सिंपली करना क्या है, आपको जो है लेफ्ट से राइट स्वाइप करना है। यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा सोशल मीडिया, जहाँ पे आपको सोशल मीडिया ऐप्स देखने को मिल जाएगी और ईमेल ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। इसे आप जो है यहाँ पे स्वाइप करोगे तो आपको जो है यहाँ पे एंटरटेनमेंट में यूट्यूब के ऐप्स, न्यूज़ ऐप्स, जॉब ऐप्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे सारे के सारे न्यूज़पेपर ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आपको हर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी आप भी मेरी तरह सोच रहे होगे कि 2.6 MB के ऐप के अंदर इतने सारे फीचर्स कैसे, इतने सारे ऐप्स कैसे। तो मैं आपको बता दूँ, ये सारे के सारे ऐप्स है वेबसाइट फॉर्म में। जैसे आप इन पर टैप करोगे वेबसाइट जो है लोड हो जाएगी और वेबसाइट जो है काफ़ी लाइट वेबसाइट है तो जो है आपका ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम नहीं करेगा। तो जिसके फ़ोन में जो है काफ़ी कम स्पेस है, काफ़ी कम रैम है, वो इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको जो है 300 से ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिकली है वेबसाइट फॉर्म में।
चल इसके फिफ्थ ऐप की तरफ। तो इसका जो फिफ्थ ऐप है वो है गेमिंग। तो इस एक एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं 100 से भी ज़्यादा गेम। और इस एप्लीकेशन का साइज कितना पता है? ये जो है सिर्फ और सिर्फ 47 MB का ऐप है, जहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा गेम्स देखने को मिल जाते हैं। हर गेम जो यहाँ पे सॉर्टेड है, जैसे आप कैटेगरी ओपन करोगे यहाँ पे जो है आपको उस कैटेगरी के सारे गेम्स देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जो है आपको उन गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। हर एक गेम का साइज KB में होता है, कुछ कुछ 1-2 MB का होता है, बट 1-2 MB के अंदर आपको जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया गेम देखने को मिल जाते हैं, जो मैं वीडियो के थोड़ा आगे आपको जो है प्ले करके भी बताऊंगा। और कैटेगरी के साथ साथ इसमें आपको जो एक और सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है ऑफलाइन गेम्स। जैसे आप जो है इस ऑफलाइन गेम वाले कैटेगरी में जाओगे, यहाँ पे जो है आपको और भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली यहाँ पे बता है ऑफलाइन, पर ये ऑफलाइन नहीं है। इनको जो है आपको एक बार डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आप जो है इनको खेल सकते हो। और इस कैटेगरी में आपको हर कैटेगरी के जो है मिक्स गेम्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको कुछ गेम्स खेल के बताऊंगा, जिससे आपको अंदाजा लग पाएगा ये ऐप कैसी है। तो कुछ इस तरह का गेम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये जो है एक आर्केड टाइप का गेम है, जिसको आप एडिक्टिव गेम भी बोल सकते हो। बेसिक सा कंट्रोल मिलता है आपको नीचे की तरफ, लाइक कुछ एक नॉर्मल आपको जॉयस्टिक मिल जाएगा, या तो आपको जो है डायरेक्टली स्क्रीन पर टैप करके आप जो है गेम को खेल सकते हो। यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं, बट मैं जो है आपको काफ़ी सारे गेम्स खेल के नहीं बता सकता, बिकॉज वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद चलिए इसके सिक्स्थ ऐप की तरफ। इसका जो सिक्स्थ ऐप है वो है जेलीफी। तो ये जो है काफ़ी फनी एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप अपने फोटोज़ में कुछ इस तरह के जेली वाले इफेक्ट्स दे सकते हो। जैसे आप अपने फ़ोन को शेक करोगे, आपको जो है कुछ इस तरह का जेली का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब आप बोलो कि ये ऐप जो है क्या यूज़ में आती है? तो ये जो है कुछ यूज़ में नहीं आती है। बेसिकली इससे आप जो है अपने दोस्तों का मजाक बना सकते हो, उनका जो है एक फ़नी टाइप इमेज बना सकते हो, और बस उनको जो है चिढ़ा सकते हो। तो जो है ऐसी इमेज बनाना काफ़ी इजी है। आपको जो है सिंपली करना क्या, इस एप्लीकेशन में जाना है, आपको जो है जाकर अपने गैलरी से जो है इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ऊपर आपको फेस डिटेक्शन ऑन करना है। जैसे आप ऑन करोगे, अब आपको फ़ोन को जो है शेक करोगे, तो आपको जो है जेली वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। शेयर के ऑप्शन से आप जो है इसको एज अ वीडियो और एज अ जिफ भी शेयर कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको जो है और भी जेली वाले इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जो आप जो है इनको यूज़ करके सेव कर सकते हो। तो इसे बढ़ते हमारे इसके सेवेंथ ऐप की तरफ। इसका जो सेवेंथ ऐप है वो है पेपर लैंड। सो एक लाइव वॉलपेपर ऐप, जहाँ पे आपको जो है हर एक चीज़ें जो है पेपर की बनी हुई दिखती है। लाइक कार्स आपको पेपर का देखने को मिल जाता है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट आपको पेपर का बना हुआ देखने को मिल जाता है, डॉल्फिन्स, क्लाउड्स, माउंटेन, सब कुछ पेपर का देखने को मिल जाता है। बट इस एप्लीकेशन में आपको जो है एक यूनिक फीचर्स मिलता है। लाइक इसमें जो है अगर दिन होगा तो ये जो है आपको मॉर्निंग वाला इफेक्ट देगा, सब कुछ ब्राइट होगा, एंड रात होगी तो सब कुछ जो है डार्क हो जाएगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा, जिसे एक्चुअल फॉरेस्ट में होता है। तो ये भी काफ़ी यूनिक फीचर है इस एप्लीकेशन में, जो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ पढ़ते हैं हमारे इसके एयर टैप की तरह। इसका जो एयर टैप है वो वर्ल्ड कॉन्स। तो ये बेसिकली एक वर्टिकल आइकन पैक है। हाँ, आपने सही सुना, ये जो है एक वर्टिकल आइकन पैक है, जहाँ पे आपको सारे के सारे आइकन्स देखने को मिल जाते हैं वर्टिकल फॉर्म में। लेकिन ये ऐप जो है एक पेड ऐप है, पेड आइकन पैक है, जो कि 50 रुपये का है। बट अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है अप्लाई करने का कुछ इस तरह का लगता है, एंड यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे आइकन्स देखने को नहीं मिल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो आपको जो है 50 रुपये का ये आइकन पैक खरीदना चाहिए। देन टू आप इसको ट्राई करना चाहते हो, तो आप सभी को पता है पेड ऐप्स और पेड गेम्स फ्री में से कहाँ से निकलते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नाइन्थ ऐप की तरफ। इसका जो नाइन्थ ऐप है वो है शॉर्टकट कीज़। तो इस एक एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं विंडोज़ पीसी के काफ़ी सारे ऐप के शॉर्टकट कीबोर्ड्स, जिन पे आप जो है सिंपली टैप करके काफ़ी सारे काम्स कर सकते हो काफ़ी इजीली। तो यहाँ पे जो है आपको एक एडिटर एग्जांपल में मैं चूज़ कर रहा हूँ, जो कि एडोबे एडिटर है, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो है काफ़ी सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है मैं आपको क्रोम भी ओपन करके बताऊँगा, तो क्रोम के भी काफ़ी सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, जो बिलीव में आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन वाकई में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है उन सभी के लिए जो विंडोज़ यूज़ करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं मैं इसके टेंथ ऐप की तरफ। इसके जो टेंथ ऐप है वो है टूनटास्टिक 3D। हाँ, नाम काफ़ी अजीब है, बट इस एप्लीकेशन से आप जो है अपनी कार्टून फिल्म बना सकते हो। लाइक आपने जो है काफ़ी सारे कार्टून्स देखे होंगे, तो कुछ उस तरह का इतना परफेक्ट तो नहीं, बट आप जो है एक शॉर्ट कार्टून फिल्म इससे बना सकते हो। यहाँ पे जो है आप सिंपली कैरेक्टर पर टैप करके उन पर जो है एनिमेशन दे सकते हो, और आप जो है कैरेक्टर को कहीं पर भी प्लेस करोगे तो आपको जो है एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप में टैलेंट है तो आप जो है मेक ऑफ जोक की तरफ
तरह कुछ एक फनी वीडियो बना सकते हो एंड आप भी उनकी तरह जो है यूट्यूब पे वायरल हो सकते हो जैसे कि वो हो गए। तो कार्टून फिल्म बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी, आपको जो है सिंपली इस एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पे जो है आपको सिंपली स्टेज सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेज आपको चाहिए। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो है ये पायलट ऑफ कैरेबियन सी का, यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी आप अपने शॉर्ट फिल्म में फीचर करना चाहते हो उन कैरेक्टर को सिंपली टाइप करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है ऊपर एक डन का ऑप्शन आएगा, आपको जो है सिंपली उस डन ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद जो है आप कहीं पे भी कैरेक्टर को प्लेस करते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कैरेक्टर को आप जो है कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो और जो है अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकते हो। कैरेक्टर पे जो है आप टैप करके उसको यहाँ वहाँ ले जा सकते हो और जब उनको आप यहाँ वहाँ ले जाओगे तो उनमें जो है वॉकिंग एनिमेशन, हैंड एनिमेशन, काफ़ी सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इस जो है पायरेट ऑफ कैरिबियन की जो है सी है, बोट है, यहाँ पे जो है आपको बोट में भी काफ़ी सारे एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। सो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस गेम, तो ये गेम का नाम है हीरो हंटर्स। और पता है ये गेम कितने एमबी का, ये जो है सिर्फ और सिर्फ 95 MB का गेम है और 95 MB के अंदर आपको जो है काफ़ी हाई एंड ग्राफिक्स इसमें देखने को मिल जाता है। सो ये बेसिकली एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है जहाँ पे आप अकेले मिलकर एक साथ तीन तीन प्लेयर बनकर गेम खेल रहे हो। या आपने सही सुना, आप जो है यहाँ पे एक सोल्जर हो और दो हीरोज आप यहाँ पे खुद ही हो। अगर आपको लग रहा है आपका जो है एक सोल्जर से प्रॉपरली एम नहीं लग पा रहा है, प्रॉपरली शूट नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है सिंपली ऊपर जो है टैप करके अपने कैरेक्टर्स में जो है सिंपली स्विच कर सकते हो। सो ये बेसिकली एक स्टोरी लाइन और मिशन वाला गेम है जहाँ पे आप एक स्टोरी लाइन कंप्लीट करोगे तो एक मिशन कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपको जो है रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, जिससे आप जो है नए नए सोल्जर्स को, नए नए हीरोज़ को जो है अनलॉक कर पाओगे। और इस गेम में तीन ही नहीं, आपको काफ़ी सारे अमेजिंग अमेजिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड 95 MB के अंदर इतना बढ़िया ग्राफिक्स मैंने आज तक कोई भी थर्ड पर्सन शूटर गेम में नहीं देखा है। सो ये गेम बेसिकली है सीक्रेट गेम बिकॉज ये जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आप अब इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने जाओगे तो आपको जो है प्री रजिस्टर करने बोलेगा, तो कोई बात नहीं, मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इस गेम को जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो ये गेम और सारे ऐप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बिहाइंड द सीन्स एंड अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप देख सके हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले।